हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम आप लोग को बताते हैं कि जो अभी हम लोग का फॉर्म भरना है सीयूटी का, किस प्रकार से इसका सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट क्रिएट हो रहा है कि सर हमें कौन कौन सा पेपर रखना है और कितना नंबर का भी क्वेश्चन रहेगा, कैसे इसको हम तैयारी करें। तो चलिए इस डाउट को हम ख़त्म करते हैं। हम यहाँ पर सारा बोर्ड में लिख कर बता दिए हैं कि सब्जेक्ट को किस प्रकार से सेलेक्ट करना है और कौन कौन सा सब्जेक्ट को हम लोग को रखना है, ठीक है, क्योंकि वरना आप लोग को क्या होगा कि पैसा भी बहुत ज़्यादा लगेगा और दिक्कत भी होगा, ठीक है। और बता दें, इसमें ध्यान से आप लोग को भरिएगा, गलती इसमें नहीं करना है। देखिए, पहला जो यहाँ पर पेपर है, पहला जो पेपर है लैंग्वेज पेपर है, ठीक है, पहला जो पेपर है वो लैंग्वेज पेपर है। ध्यान से इसको देखिएगा और समझिएगा, पहला जो पेपर है लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज पेपर में आप लोग को एक सब्जेक्ट का सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब लैंग्वेज पेपर में जैसे मुख्य रूप से है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, बाकी जो स्टेट का है अपना बंगाली जानते तो बंगाली अपना भरेंगे, है ना। लेकिन मुख्य रूप से जो ज़्यादातर पर हम लोग जो हैं झारखंड के हैं, तो अधिकतर बच्चे जो हिंदी और इंग्लिश, अधिकतर स्टेट का तो हिंदी और इंग्लिश में ही है ना। तो जो बच्चे को अच्छा कमांड रहेगा हिंदी में, वो हिंदी में सेलेक्ट कर लेंगे एक पेपर, जिसका लैंग्वेज पेपर होगा, ठीक है। लैंग्वेज पेपर में एक जाकर आपको अपना कंप्यूटर में अपना भरना है एक पेपर, ये हो जाएगा, ठीक है। जिसका क्वेश्चन कितना रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 में से आपको 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहेगा, ठीक है। चलिए, पहला पेपर हो गया, यानी मैक्सिमम आपको 3 पेपर को सेलेक्ट करना है। तो पहला पेपर कौन हो गया, लैंग्वेज पेपर, ये पहला हो गया। दूसरा जो पेपर है जनरल टेस्ट होगा, इसका जो नाम है जनरल टेस्ट, एक पेपर ये आपका कंपलसरी रहेगा, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का कैंडिडेट हो, कोई भी कैंडिडेट रहेंगे उनको जनरल पेपर, जनरल टेस्ट में एक उनका कंपलसरी रहेगा, जहां पर मैथ, रीजनिंग, ये सब कॉमन छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कितना टोटल रहेगा, तो इसमें जो क्वेश्चन है आप लोग का 60 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आप लोग को 40 बना, जिसमें से 50 आप लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है। 60 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये सब आप लोग को और बताया जाएगा क्लियरली रूप से। अभी मुख्य रूप से आप लोग को सेलेक्ट जो सब्जेक्ट करना है, तो पहला क्लियर हो गया सब्जेक्ट, पहला जो है लैंग्वेज पेपर है, ठीक है, पहला लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट कर लेना है। दूसरा जो पेपर हो गया आपका जनरल टेस्ट हो गया, ठीक है, दो पेपर हो गया। अब जो आता है डोमेन पेपर, इसको हम लोग सब्जेक्ट पेपर भी कहते हैं। मुख्य रूप से 3 पेपर रखना ही रखना है। पहला हो गया लैंग्वेज पेपर, बार बार इसको बता रहे क्योंकि डाउट है बच्चों लोग को, पहला लैंग्वेज पेपर, दूसरा हो गया जनरल टेस्ट हो गया, तीसरा पेपर आपका सब्जेक्ट पेपर हो गया। सब्जेक्ट पेपर का मतलब क्या हो गया कि जिस सब्जेक्ट में आप अपना स्टडी किए, पढ़ाई किए क्लास 12th का, ठीक है। तो जैसे कॉमर्स का कोई स्टूडेंट है, तो कॉमर्स का तो उनका पहला पेपर क्या रहेगा, अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी की जगह पर बुक कीपिंग भी आपको लिखने देखने को मिलेगा, तो अकाउंटेंसी बोलिए चाहे बुक कीपिंग बोलिए, बात एक ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पेपर, दूसरा क्या होगा, BST हो सकता है, इकोनॉमिक्स होगा और कंप्यूटर साइंस रहेगा, ठीक है, ये सारा सब्जेक्ट रहेगा। तो क्या एक नॉर्मल जो स्टेट है, जैसे हम लोग विनोबा भावे हो गया, मतलब झारखंड में लगभग जो अगर आप अकाउंट्स का आपको सीट मिल जाएगा, ठीक है, बाकी जो अदर स्टेट में, ठीक है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी बड़े यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं, बड़े यूनिवर्सिटी में आपको शायद हो सकता है सीट फुल हो जाता है। तो वैसे यूनिवर्सिटी में, जब बड़े यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, तो आप क्या करिए कि एक पेपर को यहाँ पर मत सेलेक्ट करिए, कम से कम दो पेपर को सेलेक्ट करिए, तीन पेपर को सेलेक्ट, मैक्सिमम आप चार पेपर को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और चारों में आपको है सो अलग अलग तिथि में भी हो सकता है एग्जाम जाकर आपको देना पड़ेगा, ये परेशानी हो सकती है, ठीक है, अलग अलग समय में जाकर अलग अलग डेट में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और यहाँ पर भरने का जो फॉर्म फी है वो भी सबका अलग अलग लगेगा, जितना भी आप अलग सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे उसका पैसा चार्ज अलग लगेगा। जैसे एक पेपर का 200 रुपया लगेगा, तो इसका भी यानी चार भरिएगा तो 600 रुपया हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपको समझ लें। लेकिन आप एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से आप भर रहे हैं, जहाँ पर सीट मैक्सिमम नहीं भरता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट के लिए तो आपको क्या करना है, जैसे कॉमर्स के लिए मैं कहूँगा, जैसे विनोबा भावे से हैं, ठीक है, सब छोटे लेवल का यूनिवर्सिटी है, तो इस समय आपको सीट मिल जाएगा, तो आप एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, अकाउंटेंसी को, कॉमर्स का तो अकाउंटेंसी कर लीजिए। बाकी साइंस का कैंडिडेट है जिनको भी सब्जेक्ट में जो इंटरेस्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री है ना, जो सब्जेक्ट में उनको इंटर, मैथ हो गया, जो जिन जिनमें भी उनको अच्छा लगता है कि इंटरेस्टेड है, वो सब्जेक्ट में अपना
डोमेन पेपर में एक सब्जेक्ट वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आर्ट्स वाले भी अपना हिस्ट्री में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से एक सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम आप चार सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, चारों में लेकिन अलग अलग चार्ज लगेगा। तो क्लियर हो गया बात। आपको मिनिमम मतलब कम से कम आपको तीन सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा। तीन में से लैंग्वेज तो कंपलसरी एक रहेगा, जिसमें से हिंदी चाहे इंग्लिश कर लेना है। दूसरा जो है जनरल टेस्ट तो कंपलसरी रहेगा, और तीसरा में से आपको एक सेलेक्ट कर लिए या फिर दो या फिर तीन या फिर चार सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग इसका तैयारी कैसे करेंगे सर? तो तैयारी अगर करना है आप लोग को, तो हमसे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं क्लास यानी मैं कॉमर्स का क्लास लेता हूँ, तो कॉमर्स के बारे में मैं गाइड कर दूंगा कि कैसे इसका पढ़ाई करना है, कैसे एग्ज़ाम देना है। ठीक है, बाकी और डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।